तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग गेमिंग वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आप लोग गेमिंग वीडियो एकदम प्रोफेशनल कैसे एडिट कर सकते हो काइन मास्टर में। जी हाँ गाइस, जो कि अभी भी जो कि गेमिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, गेमिंग अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप मतलब गेमिंग वीडियो जैसे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हो गया, पबजी हो गया, या फिर और भी GTA 5 हो गया, फ्री फायर हो गया, उनकी आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड तो आप लोग कर लेते हो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में होती है, या फिर आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ करके आप स्क्रीन तो रिकॉर्ड कर लेते हो। उसके बाद क्या है कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके डायरेक्ट उसको अपलोड कर देते हो अपने चैनल पर। क्या है, वो जितना बड़ा हो गया जितना छोटा हो गया एकदम बेकार था ना, उसमें आपकी वॉइस समझ में आती है ना, आपको कुछ भी आपको उसमें समझ में नहीं आता। लेकिन आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम प्रोफेशनल उसी की एडिटिंग के बारे में बताऊँगा कि आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आप लोग उसकी प्रोफेशनल एडिटिंग कैसे कर सकते हो गेमिंग वीडियोज़ की। जी अगर जब पबजी हो गया, फ्री फायर या फिर GTA कुछ भी हो गया, आप उसकी एकदम कैसे कर सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगा सकते हो, आपको कट जो कि आपका गेम प्ले बड़ा हो गया है तो आपको उसको छोटा शॉर्ट में कैसे बनाना है, अगर आपका न्यू गेमिंग चैनल है तो आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहिए तो आप उसको छोटा कैसे कर सकते हो एकदम इंटरेस्टिंग लगे, ताकि आपकी ऑडियंस आपको एंड तक देखे, एकदम प्रोफेशनल गेम प्ले लगे आपका, और जो कि एडिटिंग है वो भी एकदम धांसू लगे। तो अगर आप भी गेमिंग वीडियोज़ की एडिटिंग करना चाहते हो एकदम प्रोफेशनल, तो आप ये वीडियो को एंड तक देख सकते हो। एकदम आपने सही वीडियो पे क्लिक किया, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेना। अब बात कर लेते हैं आपको काइन मास्टर से, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडिटिंग कैसे करें। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो आप मेरा जो कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैं आपको काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, मैं अदर एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन मैं आपको बताता रहता हूँ वो वहाँ पर सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन, टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप पर्सनली कुछ मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब ये गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप ये वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना, उसके बाद आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर पाओगे गेमिंग वीडियोस की। आपको स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करना है वो तो आपको पता ही, अगर नहीं पता तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है जो कि गेमिंग, आप गेमिंग यूट्यूब चैनल के लिए मतलब गेमिंग गेम प्ले के लिए, मतलब आप अपने जो गेम खेल लो उसको रिकॉर्डिंग करने के लिए जो कि बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो बता देंगे। लेकिन अभी चलते हैं काइन मास्टर में, वहाँ पर आपको चल के बताते हैं कि आपको प्रोफेशनल एडिटिंग कैसे करना है गेमिंग वीडियोस की। तो चलिए चलते हैं काइन मास्टर। तो भाई लोग, काइन मास्टर में आने के बाद प्लस वाले आइकन पे जाना है, यहाँ पे 16:9 वाला रिशियो लेने के बाद मीडिया पे जाके और जो आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है ना वो वाला गेम प्ले आपको ले लेना है। तो जैसे कि मैंने ले लिया, अब यहाँ पे मेरा आप गेम प्ले देख सकते हो 16 मिनट का है, जो कि मैंने एकदम जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है वो पॉज कर करके करी है, ठीक है ना। आपका अगर आधे घंटे का हो सकता है या फिर 20 मिनट या फिर 25 मिनट का हो सकता है, तो आप इतना बड़ा गेम प्ले तो डाल नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जो सबसे एडिटिंग में सबसे जो जरूरी काम होता है वो होता है आपका स्प्लिट का। जी हाँ गाइस, आपको कट करना पड़ता है, जो कि आप लोग क्या है कि ऐसे मत डालो जो कि एकदम बेकार सा है, जो कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि गेम में जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जी हाँ गाइस, ये देखने वाले बंदे हैं, ये देखेंगे लोग, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले कट नहीं करना है। जैसे कि आगे का पार्ट मेरा आप देख सकते हो जो कि बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग सा नहीं है, तो आपको इंटरेस्टिंग सा रखना है और बाकी आपको हटा देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हो, पहले कि मैं यहाँ पर हटा देता हूँ 20 सेकंड आपको जैसे कि शुरुआत में हटाना रहता है, सबसे पहले आपको आगे का पार्ट हटाना है। तो यहाँ पर उसके ऊपर गेम प्ले के ऊपर क्लिक करा, अब जैसे 18 सेकंड का है मुझे हटाना है, तो यहाँ पर आपको काइन मास्टर में कैंची का ऑप्शन मिल जाएगा, तो कैंची के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हिट, लेफ्ट का मतलब जैसे कि अगर आपका जो वीडियो आप देख सकते हो गेम प्ले है जो वीडियो है ये लेफ्ट साइड का आपका रिमूव कर देगा। तो देख सकते हो ये लेफ्ट साइड का मेरा 17 सेकंड का हट गया है। आप इसी तरीके से अगर आपका जो कि लास्ट का है वो आपको थोड़ा सा ख़राब रिकॉर्ड हो गया, उसको आपको हटाना है, तो आप यहाँ से लास्ट का भी हटा सकते हो। तो जैसे कि मैं एकदम एंड में चला जाता हूँ और मुझे ये वाला पार्ट भी हटाना है, लास्ट वाला पार्ट भी हटाना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये लास्ट वाला पार्ट है, इसे भी मुझे हटाना है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हिट, इतना हो गया। अब जैसे क्या है कि आप बीच बीच में आपको अब 20 से हटाना है, वो कैसे हटा सकते हो, अब मैंने आगे और पीछे का तो हटा दिया, अब जैसे यहाँ से मुझे यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पर मैंने भी उसके ऊपर क्लिक किया। सबसे जो मेन काम होता है वो यही होता है कि आपको कट करना है, आपको जो गेम प्ले है वो मतलब बड़ा होगा तो आपको उसको शॉर्ट बनाना है, जितना शॉर्ट रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा न्यू चैनल के लिए, अगर आप न्यू गेमिंग चैनल बना रहे हो, ठीक है, या फिर बनाने वाले हो या फिर बना चुके हो। तो
यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्प्लिट एंड प्लेहिट, इसको आपको कर देना है स्प्लिट एंड प्लेहिट। उसके बाद ये हमारे दो पार्ट हो जाएंगे, आपको अगर बीच से हटाना है जहाँ से हटाना है वहाँ से आप कर सकते हो, और जहाँ तक हटाना है वहाँ पर आप एक बार जाके और यहाँ पर कैंची पर जाके और यहाँ पर आप कर सकते हो स्प्लिट एंड प्लेहिट फिर से, और जो ये बीच का पार्ट है इसको आप कर सकते हो डिलीट। जी हाँ गाइस, आपने इतना तो सीख ही लिया होगा कि आपको कट कैसे करना है। आप देख सकते हो वो मेरा 16 मिनट का था, तो मेरा 15 मिनट का बचे ये जो गेम प्ले है। अब जैसे अगर आपको और अगर आप ध्यान से देखोगे, आप एक बार ध्यान से ज़रूर देखना अपना गेम प्ले एडिटिंग करते समय, उसके बाद आप देखना जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आप रखना, इंटरेस्टिंग सा मूड है जहाँ वहीं रखना, बाकी आप बिल्कुल हटा देना जो कि बेकार जो कि होगा एकदम, आपने अच्छा नहीं खेला है या फिर आपने कुछ भी हो गया गड़बड़ हो गया तो आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया, उसके बाद जो हमारा होता है वो होता है हमारी जो कि सबसे पहले जो वॉइस है वो इसकी हमें बंद करनी पड़ती है। जी गाइस, तो यहाँ पर आपको गेम प्ले के ऊपर क्लिक करना है, वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर जाना है और इसको एकदम म्यूट कर देना है। ये हमारा एकदम साइलेंट मोड पे जो कि गेम चलेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो, मैं एक बार आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम साइलेंट मोड पर चल रहा है। अब आपको इसमें इंटरेस्टिंग सा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सबसे पहले तो अब मैंने आपको कट का बता दिया, उसके बाद जो कि वॉइस का है वो बता दिया। अब आपको इसमें देना पड़ेगा वॉइस ओवर। जी हाँ गाइस, खेलते खेलते तो वॉइस ओवर दे नहीं पाओगे, क्या है वॉइस ओवर दे लोगे तो फिर गेम आप अच्छा नहीं खेल पाओगे, या फिर गेम अच्छा खेलना है तो आप एकदम जैसे ही आप खेलते हो नॉर्मल वैसे ही खेलो, ठीक है। आप बाद में वॉइस ओवर दे सकते हो, तो वो कैसे देना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे के साइड वॉइस का। तो जैसे ही आप यहाँ पे वॉइस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक, तो जैसे कि मैंने वॉइस के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अलाउ अलाउ परमिशन दे देना होगा, अलाउ अलाउ। उसके बाद क्या है कि स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा, और जितना भी आपके क्या है कि आप बस माइक लगा के या फिर ईयरफोन लेट वगैरह लगा के आप जैसे रिकॉर्ड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आपको जो गेम प्ले है इसको ध्यान से देखना है, जो जो हो रहा है वही वही आपको बोलना है। ये नहीं आपने मोबाइल रख दिया साइड में और कुछ भी आप बड़बड़ बड़बड़ करे जा रहे हो। जी हाँ गाइस, आपको बिल्कुल नहीं, कट पहले अपना जो कि कट करने का वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद वॉइस ओवर देना। ये नहीं है कि आपने पहले गेम प्ले ऐड कर लिया उसके बाद वॉइस ओवर दे दिया उसके बाद कट कर दिया तो एकदम बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जितना शॉर्ट रखेंगे उतना बेस्ट रहेगा, उसके बाद आप वॉइस ओवर देना, और यहाँ पर वॉइस ओवर जब आप देंगे ना तो ये चलने लगेगा, तो आप इसको देखते भी जाना और वॉइस ओवर देते जाना, जो जो हो रहा वो बताते जाना, कमेंट्री करना चाहो कमेंट्री कर सकते हो, और यहाँ पे जो हमारी वॉइस होगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ऐड करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं री स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो जाएगी और वो इसमें आ जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी वो होगी बैकग्राउंड म्यूज़िक की, तो बैकग्राउंड म्यूज़िक यहाँ पर आप जाओगे, और यहाँ पर मैंने कुछ डाउनलोड करके रखी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने BGMI से करके डाउनलोड करके रखी है, तो जैसे कि ये है, ठीक है, ये वाली है, तो इसको मुझे सबसे पहले ऐड कर लेते हैं हम। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर जहाँ पर आप वॉइस ओवर दे रहे हो वहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ से आप कम कर सकते हो, जो कि बहुत तेज़ होगी, आपकी वॉइस ओवर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी अगर आप इसको ऐसा ही रहने दोगे, जो कि आप इसको एकदम कर सकते हो, कम कर सकते हो 15-20 के लगभग आप कर सकते हो, 10 के ऊपर और 20 के नीचे आप कर सकते हो, 15-16 जो भी आए आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो होगी वो हमारी ऐड हो जाएगी, आप जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारी ऐड हो जाएगी बैकग्राउंड म्यूज़िक। अब जैसे क्या है कि आपने कहीं पर बोलना बंद कर दिया, जबकि इंटरेस्टिंग सा मूड ऐसे बनेगा ना कि पूरे में आप वॉइस ओवर दे दोगे, उसके बाद जैसे आपको कहीं पर बढ़ाना है जो कि बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इसको आपको कहीं पर ज़्यादा करना है कहीं पर नॉर्मल रखना है, तो वो कैसे करते हैं, तो वो आपको करना है जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रिम एंड स्प्लिट पे जाना है, स्प्लिट एंड प्लेहिट कर देना है, जहाँ पर आपको म्यूज़िक बढ़ाना है वो पार्ट आपको ले लेना है, जैसे कि मेरे इतना म्यूज़िक को बढ़ाना है तो यहाँ पर मैं गया फिर से और स्प्लिट एंड प्लेहिट कर दिया। ये हमारी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ये हमारी हो गई। अब इसकी मैं वॉइस को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे अब आप यहाँ पर जैसे आपने यहाँ तक बोला, उसके बाद आप यहाँ पर कुछ नहीं बोल लो, दिखाना चाहते हो या फिर आप गेम में लगे हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर जो कि हमारी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर से आप कमेंट्री करना स्टार्ट करो तो यहाँ पर आपकी फिर से जो कि कम हो जाएगी। इस तरीके से आप अपना जो कि एडिटिंग कर सकते हो। अब बात आती है आपने जैसे सब्सक्राइब करने को बोला तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो आप ग्रीन स्क्रीन में सब्सक्राइब बटन भी डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब से वगैरह से कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैं डाउनलोड कर मैं चलता हूँ और वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ।
तो मैंने ये देख सकते हो सब्सक्राइब का जो कि मैंने ऑलरेडी जो कि डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पर मैं गया और ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया। उसके बाद आप देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन में इसको गया और यहाँ पे क्रोमा की पे गया और इसको इनेबल कर दिया। आप यहाँ पे जैसे कि जहाँ पर आप सब्सक्राइब करने को बोल रहे हो ना, बेल आइकन को प्रेस कर लो या फिर हमारे यूट्यूब वीडियो को लाइक कर दो, तो वहाँ पर आप ये चीज़ लगा सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग से आपकी गेम प्ले हो जाएगा और कुछ ज़्यादा ऐड करना रहता नहीं है, बस इतना ही ऐड करना रहता है जो कि आप बस इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दो। और मेन जो आपका काम रहता है वो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया जो कि रहता है वो कट कर रहता है। जी अगर आपको कट करना है इधर से उधर और इधर से उधर आपको कट करना है, बस और कुछ नहीं है। आपको 20 से स्प्लिट करना है तो मैंने आपको 20 वाला भी बता दिया। बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे लगाना है वो भी बता दिया और वॉइस ओवर कैसे देना है वो भी बता दिया। और जो कि मैंने आपको बताया कि सब्सक्राइब वाला कैसे लगा सकते हो, इसी तरीके से आप इंस्टाग्राम वगैरह का भी लगा सकते हो। और यहाँ से आपको कर लेना होगा वीडियो को एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के बाद आप कहीं पर भी अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब वगैरह या फिर कहीं पर भी। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने के बाद आराम से आप जो कि यहाँ पर अपनी जो आपको मनपसंद लगे वो आप कर सकते हो। जो कि अगर इसकी क्वालिटी मैं कहूँ तो आप हाई लेवल रखो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या फिर 1080 रखो यूट्यूब के लिए तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको हाई कर सकते हो और वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करते समय आप एक गलती मत करना कि एक्सपोर्ट भी हो रही है और आपका जो कि आपने मतलब कि आप कॉल पर बात कर रहे हो एक्सपोर्ट भी हो रही है, ऐसा बिल्कुल ना करना। या फिर चार्जिंग लगी एक्सपोर्ट हो रही है, ऐसा नहीं। एक्सपोर्ट करके आपको एकदम मोबाइल को फ्री करके रख देना होगा, फिर आपका अच्छे तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगी, फिर आप अपलोड कर सकते हो। गाइस अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं पता कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे करें पबजी BGMI या फिर फ्री फायर की, तो आप कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर भी आप एक वीडियो बना दूंगा। बस कमेंट करो और कुछ नहीं, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यार बाय।